अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है दोस्तों? वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है जो हम कार्य कर रहे हैं, कार्य से होने वाली सामान्य या जो वेस्ट निकलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कार्य कर रहे हैं तो अधिक से ज़्यादा आपका वेस्टेज हो जाते हैं मटेरियल। जैसे हम देखते हैं अक्सर ये पाया जाता है कि प्लम्बिंग के कार्य होने के बाद भी कुछ पाइप शेष रह जाते हैं, या जब पाइप प्लम्बर जब पाइप की फिटिंग्स करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, कटिंग्स करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पीसेस हम देखते हैं पाए जाते हैं। तो इनका बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से एक होता है लैक ऑफ मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स की कमी के कारण भी होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए वेस्ट को जितना हो सके कम से कम वेस्टेज हो। हमें प्रॉपर एस्टिमेशन और मेजरमेंट्स की अभ्यास करनी चाहिए जिससे वेस्ट कम होगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी वेस्ट के लिए स्किल ग्रीन जॉब नामक एक विषय है, जिनमें सही तरीके से लोग जानते हैं, हमारे कोर्सेस में जानेंगे कि कैसे वेस्टेज को हम मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और किस प्रकार से हम वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वेस्टेज को डायरेक्ट डिस्पोजल करने से जो ज़्यादा अच्छा होता है, कोशिश करें सबसे पहले प्रिवेंशन, हम कोशिश करें कि वेस्ट जितना हो सके कम हो। हमें उतना ही आवश्यक होना चाहिए कार्य के, उसके साथ उसके अनुसार ही हमें वस्तु का अनुसरण करना चाहिए, वस्तु हमें लेना चाहिए या स्टोर से हमें सामान लेनी चाहिए, और काम होने के बाद हमें वापस कर देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए बड़े साइट है, लोग काम करते हैं, बहुत सारे वेस्टेज पाए जाते हैं, प्लम्बर समझते हैं कि इससे उनका निजी कोई लेना देना नहीं है, बट ये गलत प्रैक्टिस है, ये अच्छे प्लम्बर की परिभाषा नहीं है। इसलिए कोशिश करें जो भी आपको कार्य सौंपा जाता है उसके अनुसार आप सामान लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। सो प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी है। उसके बाद होता है प्रिवेंशन के बाद कोशिश कीजिए, अपने आदत में डालिए कि जितना हो सके मिनिमाइज़ कीजिए जो आपके वेस्टेज। मान लीजिए आपने शुरू में वेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अगर आप ये प्रैक्टिस रखेंगे, एस्टिमेशन सही रखेंगे, मेजरमेंट सही रखेंगे, धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली आपका जो वेस्ट है मिनिमाइज होता रहेगा। उसके बाद भी अगर कुछ हद तक अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो उन्हें आप दूसरे कार्यों में पुनः इस्तेमाल करने की जरूर कोशिश करें। इससे क्या होगा, जो वेस्ट है वो किसी और कार्य में, अन्य कार्य में आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो है डायरेक्ट डिस्पोज, वेस्ट हो गया फेंक दे रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। या एनर्जी रिकवरी की, उसको चलो हमने उसको डैमेज करके किसी और फॉर्म में उनका इस्तेमाल करें, इससे एनर्जी का भी क्षय होता है। इसलिए जितना हो सके डायरेक्ट डिस्पोज ना करें, और वातावरण भी दूषित इससे नहीं होगा। तो दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इनमें हैं। अगर जैसे हम वेस्ट रखते भी हैं तो उनके एक कैटेगरी होते हैं, रखने के अलग अलग पात्र होते हैं, उनके उनके कलर के हिसाब से हम उनके उसके सही पात्र में रखते हैं। अब एक वर्किंग प्लेस में अनेक प्रकार के सामानों का वेस्ट, या जो उनके जो वेस्ट मटेरियल है वो हम रख सकते हैं, जिनमें हमारे पास कुछ अब देख सकते हैं यहाँ पर है, ये जैसे आप रेड देख रहे हैं, रेड कलर के जो होते हैं मेटेलिक वेस्ट जितने होंगे। मान लीजिए जो प्लम्बर है जीआई की पाइप्स का थ्रेडिंग कर रहे, कटिंग कर रहे, तो उनमें से जो उनके बर जो उनके पार्टिकल्स निकलते हैं उन्हें हम कलेक्ट करके मेटेलिक जो वेस्ट है इनमें रखेंगे, रेड कलर के पात्र में, कंटेनर में। दोस्तों आप देख रहे हैं ब्लू कलर का जो पात्र है ये है दोस्तों पेपर के लिए। जितने प्रकार के और कोई पेपर वेस्ट साइट में वर्किंग प्लेस में अगर एकत्र होता है हम उन्हें ब्लू कलर के पात्र में रखेंगे। अगला पात्र है वो है ग्रीन। जो ग्रीन कलर का पात्र है दोस्तों वो है ग्लास वेस्टेज के लिए, यानी कि जितने प्रकार के ग्लास हैं, जिसे कांच ग्लास बोलते हैं, शीशे का टुकड़े वगैरह, अगर ऐसा कुछ होता है ग्लास तो उन्हें हम इनमें ही रखेंगे। तो इनका मकसद क्या है दोस्तों, अलग अलग इनके अलावा और भी होता है। येलो होता है जो प्लास्टिक वेस्टेज है उन्हें रखने के लिए, जितने प्लास्टिक के पाइप उनके टुकड़ा अगर हमें रखना भी है तो येलो में रखेंगे। ब्लैक कंटेनर है उनके लिए, ऑर्गेनिक जितने हैं, मान लीजिए खाद्य पदार्थ है या खाने पीने का जो वेस्टेज है वे हैं, और जो मिक्स्ड वेस्ट है
मिक्सअप जो होते हैं बहुत सारे वेस्ट को मिलाकर, उनके लिए वायलेट कलर का कंटेनर होता है। तो दोस्तों ये अलग अलग कंटेनर बनाने की ज़रूरत क्यों है, इसलिए ताकि इनका जैसे मैंने आपको कहा रीयूज़ अगर किया जाए तो किया जा सकता है। अगर मिक्स्ड रहेगा, मान लीजिए अपने पेपर में ग्लास भी रख दिया, तो जो इन्हें डिस्पोज मतलब जो जब इनका रिसाइकल करेंगे या इन्हें जब हैंडलिंग करेंगे तो उन्हें चोट लग सकती है। वो समझेंगे कि पेपर है और अपने पेपर में प्लास्टिक रख दिया तो उनको चोट भी लग सकती है। तो इसलिए एक कैटेगरी वाइज दिया गया कि उनको पता है जो बंदा इनको हैंडलिंग करने वाला है रिसाइकलिंग या अदर प्रोसेस के लिए, उस समय वो वही ध्यान रखेगा कि इसमें सिर्फ पेपर ही होना चाहिए, इनमें मेटल होना चाहिए, इनमें ग्लास ही है। इसीलिए जो कंटेनर है हमें उन्हीं में वेस्ट को फेंकना चाहिए। इसके अलावा अभी हम देखते हैं हमारे भारतीय समाज में सरकार के द्वारा अलग अलग वेस्टेज कंटेनर प्रोवाइडेड किया गया, वितरण किया गया है सभी घरों में, गीला कचरा सूखा कचरा के लिए, सभी जानते हैं इन बातों को। एक ग्रीन कलर का बकेट दिया गया है और आपका एक रेड कलर का बकेट दिया गया है जिसमें गीला कचरा सूखा कचरा रखते हैं। सूखा कचरा के लिए आपका जितने वेजिटेबल्स वगैरह ये सब है, सूखा कचरा ग्रीन है, लिक्विड के लिए रेड है। तो दोस्तों जो दिया गया है ताकि इसीलिए एक कैटेगरी ऑफ वेस्ट हमें, ताकि हमें सेंस हो उसका मतलब पता चले। तो सेम चीज़ हम अपने वर्किंग प्लेस में भी फॉलो करेंगे जिनसे आपका आसपास गंदगी कम हो और वेस्टेज का रिसाइकल हो, उनका सही मैनेजमेंट हो। तो ये रहा दोस्तों अलग अलग वेस्टेज और उनके रखने का रखरखाव के तरीका, और जैसे मैंने आपको बताया कोशिश करें मिनिमाइज करने के लिए और रीयूज़ करने के लिए, और उसके बाद ना हो तो रिसाइकल करने के लिए, ना कि डायरेक्ट डिस्पोज करने के लिए।